भी अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7.7 और 16, ये चैप्टर 7 है बीपीबी का, 7.7। क्वेश्चन नंबर 7.7, हमने बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर 4 years अगो ऑन January 1 फॉर 170,000। सिंस देन प्रॉपर्टी प्राइस हैज राइजिंग सब्सटेंशियली एंड द प्रॉपर्टी हैव बीन रीवैल्यूड एट 2,10,000। The property was estimated as having a useful life 20 years when it was purchased, original life. What is the balance on revaluation surplus reported in the statement of financial position? So the gain on revaluation calculate karna hai. So solve kare. Cost hai 1,70,000 aur revalue usne kab kiya hai? 4 years ago acha buy kiya hai. 4 years ke baad revalue kar raha hai. आपको 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा पहले। अच्छा मेथड मेंशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। 20 इयर्स लाइफ दी हुई है, पहले इसका करंट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट है 1,70,000, लाइफ है 20 इयर्स, क्या वैल्यू नहीं दी हुई, कितना है 500, 500 आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 500 इनटू 4 कितना 4 गेन कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट कितनी है 1,00,000, 50,000 accumulated depreciation, net book value 1,36,000, revalue किया हमने इसे 10,000 पे revalue कर रहे हैं, gain कितना हुआ 74,000। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अच्छा इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2% 16,000। Accumulated depreciation 16,000 multiplied by 10 1,60,000। gain loss calculate करते हैं, cost कितनी है accumulated depreciation हो गया 1,60,000, net book value 6,40,000 ना, और रीवैल्यू कितने भी किया हमने 10,06,000, गेन कितना हुआ गेन ऑन रीवैल्यूएशन 10,000, गेन ऑन रीवैल्यूएशन हो गया 3,60,000। ऑप्शन होगा बी या डी होगा। अब इसका हमें रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, करेंगे तब रिवैल्यू कितने में किया 1,10,00,000 का, क्या करें जी मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे, डिवाइड बाय 40 करेंगे। हाँ अब 2% नहीं लेंगे, अब डिवाइड करेंगे 40 से रिमेनिंग लाइफ है 25,000 आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है
कि रिमेनिंग लाइफ गिवन ना होती फिर क्या करते? 2% लेते? अगर ये 40 ईयर रिमेनिंग लाइफ गिवन ना होती फिर क्या करते? 2% नहीं लेते या फिर रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करते? कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए 2% का मतलब क्या है, 2% पर ईयर का मतलब 50 ईयर लाइफ हो गई। 2% पर ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है तो 50 ईयर में 100% डेप्रिशिएट होगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। 2% पर ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है तो 50 ईयर्स में 100% डेप्रिशिएट होगा ना, तो इसका मतलब इसके एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 50 ईयर। तो एस्टिमेटेड लाइफ 50 ईयर, 10 ईयर यूज हो गया तो 40 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ होगी, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ दोस्तों दो चीजें हमें 40 ईयर रिमेनिंग लाइफ बता भी थी और ये 2020W4 लिखा हुआ भी था, जैसे हमने 10 ईयर कैलकुलेट भी कर लिए ना, अगर ये दोनों चीजें गिवन ना हो सिर्फ परसेंटेज होती तो फिर आप इसी तरह कैलकुलेट करते। सही, कुछ इस तरह से 2% पर ईयर का मतलब होता है 50 ईयर्स लाइफ, और 5% पर ईयर हो तो लाइफ कितनी होगी? अच्छा, अगर 5% पर ईयर होता है या 2% के बजाय तो लाइफ कितनी होती इसकी? 20 साल हो जाती है ना, 5, ठीक है। 5% पर ईयर का मतलब 20 ईयर्स में वो 100% डेप्रिशिएट होगा। क्या नहीं लिखा, मतलब ईयरली लिखा है 2% पर ईयर? हाँ, 2% में नहीं करेंगे ना, क्योंकि देखिए 2% का मतलब क्या है, 2% पर ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है तो कितने साल में 100% डेप्रिशिएट होगा? हर साल 2% से डेप्रिशिएट हो रहा है आपका एसेट, तो 100% डेप्रिशिएट कितने सालों में होगा? 50। जैसे आपको लाइफ पता चल गई 50 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वो देता है आपको 5% पर ईयर तो एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी? 20 ईयर। ठीक है, आप 100 को परसेंटेज से डिवाइड कर देना, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 ईयर आ जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 ईयर आ जाएगा, ऐसा मतलब जो भी परसेंटेज दी हुई है 100% को उस परसेंट से डिवाइड कर दें लाइफ आ जाए, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज दे देगा और आपको लाइफ कैलकुलेट करना पड़ेगी, तो आपने क्या करना है 100% को जो गिवन परसेंटेज है डेप्रिसिएशन उससे डिवाइड कर देंगे तो एसेट की लाइफ आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करें, ठीक है। 8.14, इसमें पहले तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 50, 25,000 आ गया। अच्छा, गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं, रिवैल्यूएशन कॉस्ट है 12,50,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 ईयर है ना, हो गया 2,50,000 की नेट बुक वैल्यू आ गई 10 लाख, गिवन थी डायरेक्ट, उसको रिवैल्यू कितने में किया हमने? 3 लाख पे गेन कितना हुआ? 6 लाख का गेन हुआ। वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, सिक्सटीन लाख इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है, डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ 40, डेप्रिसिएशन कितना आया? 40,000। एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15,000। तो वो क्या कह रहा है कि आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, तो रिवैल्यूएशन में गेन कितना हुआ था? 6 लाख का, इसमें से एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो गेन कितना रह गया आपका? 585। ये चीज रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका कितना था? 6 लाख का,
से एक्सेस डेप्रिसिएशन हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रह जाएगा 5,85,000। क्लियर? क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें, क्वेश्चन गौर से पढ़ा करें, इसीलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। जी, क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ा, ये रीजन होती है कि आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चल बात, रिक्वायरमेंट्स को, पॉइंट्स को उसके गौर से पढ़ा करें, की पॉइंट उसको अंडरलाइन कर लिया करें। F3 F1 पे सबसे ज्यादा है। अच्छा, रिवीजन की बात करें, हो जाएगा, हाँ, रिवाइज करने की बात करें। अच्छा, पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इसका, कितना है एनुअल? 16 लाख का 2%। आप लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट है आपकी 16 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, एंड बुक वैल्यू, ठीक है, 14 लाख, 40,000, और रीवैल्यू हमने किया इसको, रीवैल्यू कितने पे कर रहे हैं, 22,50,000। गेन कितना हुआ? तो उसका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन डिवाइड कितने से करें, रिमेनिंग लाइफ 45 आ रहे 50,000। ठीक है, अब इसका एक्सेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 माइनस 32, 18,000 आ जाएगा ना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें बताने कितना होगा बैलेंस, जिसमें भी वही पॉलिसी है ना ट्रांसफर वाली, सो डेप्रिसिएशन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू रिटेन अर्निंग। गेन कितना हुआ था हमें, 8,10,000 माइनस करेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो कितना आ रहा है, 7,92,000। अंदर आपका दुरुस्त, मैंने कब गलत बोला,